उधर दुर्ग में बीजेपी पार्षदों ने सरकार पर पानी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। निगम नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में बीजेपी पार्षदों ने निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन से मुलाकात की है। अजय ने बताया कि शहर में चल रहे अमृत मिशन प्रोजेक्ट में पानी की सप्लाई को लेकर जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा पहले दुर्ग में कभी नहीं हुआ था। जनता पानी के लिए तरस रही है। विधायक द्वारा बार बार चल रहे विकास कार्यों में हस्तक्षेप करने से शहर की 50% आबादी पानी के लिए परेशान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का हल 2 दिनों के अंदर नहीं निकाला जाता है तो आने वाले दिनों में निगम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। दुर्ग शहर में 5 दिन से पानी की हालत खराब है। कहीं एक समय आ रहा है, कहीं 1 घंटा आता था तो 10 मिनट आ रहा है, और 3 दिनों तक एक एक समय पानी नहीं आया। इसका कारण माननीय विधायक महोदय जी निरीक्षण को गए थे और बोले थे कि 2 दिन में ट्रांसफार्मर जलने के कारण हुआ है, पानी बहाल हो जाएगा। दुर्ग शहर में 42 एमएलडी और 24 एमएलडी के जो 2 प्लांट हैं उनके लिए 2 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे पास 6 ट्रांसफार्मर हैं। तो इन 6 ट्रांसफार्मर में बाकी स्पेयर के ट्रांसफार्मरों को क्यों नहीं बनाया गया? विधायक जी को गलत जानकारी दी और उन्होंने स्वीकार भी ली और जनता को कहा 2 दिन में पानी मिलेगा। आज 5वां दिन है, लोगों को पानी बराबर नहीं मिला है। भाजपा पार्षद दल के नेता जो आए हुए थे उनका मुख्य मांग था कि जो शहर में भी पानी सप्लाई में जो बाधा उत्पन्न हुई है उसको लेकर के था कि वो जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। सर, उसमें कुछ राजनीतिक विद्वेष की बात उनके द्वारा कही जा रही थी, इसको कहां तक आप सही मानते हैं? राजनीतिक विद्वेष की बात तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि हम पूरे शहर को सप्लाई करते हैं और किसी राजनीतिक दल को देख करके सप्लाई नहीं करते हैं। वर्तमान में अमृत मिशन का जो कार्य चल रहा है उसमें पुरानी जो मशीनरी उसको हटा करके नया लगाया जा रहा है, तो इसमें ट्रांजिशन का फेज आना ही आना स्वाभाविक तौर पर है। तो बीच बीच में जैसे जैसे काम प्रगति पर बढ़ेगा वो फॉल्ट आएगा।